हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू टुडे? वेल, काफी लोग मुझसे पूछते हैं ऐसी कौन सी स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं जो हमें अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ आईटीसी के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स डिस्कस करूंगा, और आगे भी मैं आपके साथ इसी तरह से कंपनीज के फंडामेंटल्स और टेक्निकल एनालिसिस डिस्कस करता रहूंगा। वैसे तो फ्रेंड्स, फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, पर मैं आपको बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, हम फंडामेंटल एनालिसिस में छह मेन चीजें देखेंगे। पहला हम देखेंगे रेवेन्यू, फिर हम देखेंगे प्रॉफिट्स, उसके बाद हम देखेंगे शेयर कैपिटल, उसके बाद हम देखेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस, फिफ्थ हम देखेंगे नॉन करेंट एंड करेंट लायबिलिटीज, और सिक्स हम देखेंगे एल्टमान जेड स्कोर। और टेक्निकल एनालिसिस में फ्रेंड्स, हम देखेंगे 200 डे मूविंग एवरेज, और दूसरा हम देखेंगे ट्रेंड। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये इनकम स्टेटमेंट है आईटीसी की, जो हम वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन डॉट कॉम पे देख रहे हैं। अगर हम ऑपरेटिंग रेवेन्यू देखें तो 2016 में 36,500 करोड़ के करीब था, उसके बाद 2017 में 40,000 करोड़ के आसपास है, 2018 में हम देखें तो 40,600 करोड़ है, पिछले साल से 500-600 करोड़ बढ़ गया है। 2019 में अगर हम देखें तो ये 44,995 करोड़ है, पहले से बढ़ा हुआ है। तो रेवेन्यू हम देखें तो पिछले 4 या 5 साल से लगातार बढ़ रहा है। 2020 में देखें तो 45,000 करोड़ है, पिछले साल से बढ़ा है। और अभी ये TTM है, ट्रेलिंग 12 मंथ्स, तो अभी ये चल रहा है जो फाइनेंशियल ईयर है, और ये 44,911 करोड़ है, ऑलमोस्ट 45,000 करोड़ है। तो होपफुली शायद ये इसको भी सरपास कर जाए। तो रेवेन्यू तो इनका लगातार पिछले 5 या 6 साल से बढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम देखेंगे इनकी अदर इनकम। ये जो अदर इनकम है, ये हो सकता है कहीं से FDs इनकी हो बैंक में, तो वहां से अदर इनकम आ रही हो, कहीं कोई इन्होंने प्रॉपर्टीज दे रखी होंगी शायद रेंट पे, वहां से रेंट आ रहा हो, तो इनकी अदर इनकम है। तो रेवेन्यू और ये अदर इनकम जो टोटल होती है, तो इनकी टोटल इनकम हो जाती है जो है 48,157 करोड़। इसके अंदर से टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाता है, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, रॉ मटेरियल कॉस्ट, पावर एंड फ्यूल कॉस्ट, एम्प्लॉई कॉस्ट होती है, सैलरीज होती है, सब कम होने के बाद इनकी जो फिगर आती है वो है इनकी 18,729 करोड़, जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर कंपनी ने कोई लोन लिया होता है तो उसमें से उनका इंटरेस्ट कम हो गया 57 करोड़ का। उसके बाद इनको जो बचा वो है PBDT, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। मशीनरी पुरानी हो जाती है, उसकी डेप्रिसिएशन हो जाती है, टैक्स देना होता है। तो फ्रेंड्स, डेप्रिसिएशन के बाद इनका जो फिगर आ जाता है निकल के, डेप्रिसिएशन कम हुई इनकी 1589 करोड़, फिर इनकी फिगर निकल के आई 17,082 करोड़। उसके बाद एक्सेप्शनल आइटम्स के इनके 132 करोड़ कम हो गए। फिर इनका आया प्रॉफिट बिफोर टैक्स 16,950 करोड़। फिर उस पर लग गया टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स जो है 3,435 करोड़। उसके बाद इनकी जो फिगर आई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो है 13,514 करोड़। अब अगर हम इनका प्रॉफिट देखें 2016 से, तो 2016 से हम देख सकते हैं 2016 में 9,300 करोड़ था, 2017 में 10,200 करोड़, 2018 में बढ़ गया 11,223 करोड़, फिर 19 में भी हम देख सकते हैं 12,464 करोड़, और आगे भी ये बढ़ी रहा है, फिर हो गया 15,136 करोड़, और अभी ये TTM चल रहा है, 12 trailing months, करेंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो ये हो सकता है ये और भी बढ़ जाए। तो प्रॉफिट जो हम देख सकते हैं लगातार इनका बढ़ रहा है, तो फ्रेंड्स ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे शेयर कैपिटल। अगर हम शेयर कैपिटल 2016 से देखें तो 2016 में 804 करोड़ था, फिर 2017 में बढ़ गया 1214 करोड़, मतलब कंपनी ने कुछ शेयर्स यहाँ पे इशू किए होंगे। अदरवाइज अगर हम 17, 18, 19, 20 का देखें तो ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है, तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है। इसके बाद हम देखेंगे टोटल रिजर्व्स। कंपनी के जो टोटल रिजर्व्स हैं वो पिछले 2016 में थे 39,000 करोड़, 2017 में 42,526 करोड़, फिर आप देख सकते हैं बढ़ते जा रहे हैं, 18 में 48,000 करोड़ के आसपास हैं, 19 में देखें तो 54,000 करोड़ के आसपास हैं, 2020 में देखें तो 60,777 करोड़, और अभी ये जो है लेटेस्ट इनका 56,000 करोड़। तो ये भी लगातार रिजर्व्स एंड सरप्लस धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा साइन है। फिर हम देखेंगे नॉन करेंट लायबिलिटीज। अगर हम नॉन करेंट लायबिलिटीज देखें तो इनकी है 2,298 करोड़। हो सकता है कंपनी ने कोई लोन लिया हो छोटा मोटा, जो इनको लॉन्ग टर्म में देना है वो नॉन करेंट लायबिलिटीज में आ जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज है इनकी 10,875 करोड़। जो करेंट लायबिलिटीज होती है वो कंपनी को लेस देन अ ईयर में पे करनी होती है। तो फ्रेंड्स आइए, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं एल्टमान जेड स्कोर। तो दोस्तों, अगर हम आईटीसी का एल्टमान जेड स्कोर देखें तो वो है 16.29। ये बहुत ही एक अच्छा स्कोर है, हालांकि एल्टमान स्कोर 3 या उससे ऊपर हो तो कंपनी स्ट्रांग मानी जाती है। इसका है 16.29 करोड़। जनरली इतना अच्छा एल्टमान स्कोर तो कंपनीज का देखने को ही नहीं मिलता, ये तो बहुत ही एक स्ट्रांग कंपनी है। ये भी देख लेते हैं इसका पायोट्रेसी एफ स्कोर, कि कंपनी ने पिछले 1 साल में कैसा परफॉर्म किया है। इसका 6 है, तो कंपनी ने अच्छा ही परफॉर्म किया है, तो ये भी काफी सही है। आइए फ्रेंड्स, एक चीज और देखते हैं, एबिटडा, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। तो मतलब ये 10 इयर्स का एग्रीगेट है, इन्होंने कितना प्रॉफिट बनाया, ये है 1,39,441 करोड़। इसमें से टैक्स कट गया, डेप्रिसिएशन कट गई, ये सब कटने के बाद, ये चीजें कटने के बाद नेट प्रॉफिट इनका बचा 97,699 करोड़। तो
पिछले 10 साल में कंपनी ने इतना प्रॉफिट बनाया। तो फ्रेंड्स ये कंपनी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। डेट देखें अगर हम कंपनी का सिर्फ 9 करोड़ 58 लाख है, जो लिटरली कुछ भी नहीं है, इसको आप डेट फ्री समझिए आईटीसी को, तो ये एक बहुत ही अच्छी कंपनी। आइए फ्रेंड्स अब हम इसके टेक्निकल्स देखते हैं। फ्रेंड्स ये जो चार्ट है आईटीसी का मंथली चार्ट है, जिसमें हम देख सकते हैं कंटिन्यूअस एक सॉलिड अप ट्रेंड में था, और अराउंड ये जो ईयर है 2019 मई में यहाँ इसका प्राइस गिरना शुरू हुआ, जब ये 300 पे था और ये गिरता चला गया और ये ऑलमोस्ट 135 रुपए तक गिर गया था। उसके बाद अब इसने वापस चढ़ना शुरू किया है। तो आइए फ्रेंड्स डेली चार्ट में चल के देखते हैं क्या एक ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी है। तो फ्रेंड्स डेली में अगर हम देखें तो ये एक लो है और ये एक हायर हाई है, और ये जो लो है ये हायर लो है, विच मीन्स ये जो लो है उससे ऊपर ये वाला लो है, तो ये हायर लो है। फिर ये जो हाई है ये हायर हाई है, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो हाई है ये एक हाई है, इससे ऊपर ये हाई है, तो ये हायर हाई है और ये हायर लो है, इस लो से ऊपर ही लो है, तो हायर हाई एंड हायर लो। और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं नया हायर हाई बनाए, हायर लो बनाए, फिर से यहाँ पे करेक्शन आई, लेकिन अब प्राइस ने वापस क्रॉस कर दिया है। तो ये जो लाइन है ब्लू वाली आप देख रहे हैं 200 डे मूविंग एवरेज है, प्राइस ने इसको क्रॉस कर दिया है, एक जरा सी करेक्शन आई और प्राइस अब ऊपर जाना शुरू हो गया है। तो फ्रेंड्स आइडियली आईटीसी अभी एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव प्राइस पे है। अगर आप इसको बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं, डेफिनेटली इसको 208 रुपए पे इस टाइम पे बाय कर सकते हैं, क्योंकि डिविडेंड भी बहुत अच्छा देता है। तो फ्रेंड्स ये एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे जल्दी एक नई कंपनी के फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के साथ। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।